Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Today's Menu. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए. तो दोस्तों आज का वीडियो हम करने जा रहे हैं अबाउट अ मॉल विच इज कॉल्ड एक्वाफ्लोरिया मॉल. सो गाइस, मॉल की दो एंट्रेंसेज हैं, एक फ्रंट एंट्रेंस है और एक बैक एंट्रेंस है. बैक एंट्रेंस से मैं आपको रिकमेंड करूँगी अगर आप आएँ तो इस मॉल में आएँ, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है. बैक के ऊपर इसके बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं और साथ ही आप जैसा कि देख सकते हैं कि समंदर है. तो डिफरेंट किस्म के रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं. यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिलेंगी, बहुत फ्रेश फिश आपको मिलेगी जो कि समंदर से पकड़ी जाती है और फ्रेश ही लोगों को सर्व की जाती है. तो ये इसकी खसूसियत है. तो जैसा कि आपको नाम से मालूम हो रहा है कि दिस इज़ कॉल्ड एक्वाफ्लोरिया मॉल, तो ये पानी की मुनासबत से इसका नाम रखा गया है. दूसरी, इस मॉल के अंदर ये खसूसियत है कि अगर आपने इस्तांबुल एक्वेरियम आना है तो फिर आपको इस मॉल के अंदर आना पड़ेगा. और अब मैं आपको दिखाती हूँ, हम मॉल के अंदर आ चुके हैं. ग्लोरिया जीन्स रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ जो है वो इसकी एंट्रेंस है मॉल की, वहाँ से हम अंदर आए हैं. और आप देख सकते हैं कि मॉल जो है वो 2 से 3 फ्लोर्स के ऊपर है. हम लोग यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं, अब हम लोगों को सेकंड फ्लोर पे जाना है. आप देखेंगे कि मॉल के अंदर ज़्यादातर जो डेकोरेशन हुई है उसमें भी मछलियाँ जो हैं वो इन्होंने दिखाई हैं मुख्तलिफ जगहों पे. तो गाइस यहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी शॉप्स हैं अगेन, एंड उसके साथ आपको कपड़ों की शॉप्स जो हैं वो भी मिलेंगी. और डेकोरेशन में आपको फिशेज हर जगह नज़र आएंगी जो कि बहुत खूबसूरत लुक दे रही हैं. ये देखिए ये इंटीरियर इनका कितना प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत इंटीरियर है इनका. छोटी छोटी फिशेस जो हैं वो इन्होंने बनाई हुई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है. टर्की के ज़्यादातर जो मॉल हैं उनका इंटीरियर बहुत अच्छा है, आप जब आएंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा. गाइज ये जो डोर आप देख रहे हैं ये फ्रंट एंट्रेंस से है. अगर आप बाहर से इस फ्रंट वाली साइड से आते हैं तो आपको यहाँ से एंटर होना पड़ेगा. आपकी अगेन बैक की चेकिंग होगी एंड देन आप अंदर आएंगे और आप फिर डिफरेंट किस्म की शॉप देखेंगे. यहाँ पे आपको वेडिंग के मुनासबत से जो है वो भी कपड़े मिलेंगे. तो गाइस दिस इज़ द पॉइंट जहाँ से हम एंटर होते हैं अगर हम लोगों को एक्वेरियम की तरफ जाना है. तो आप देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन इन लोगों ने यहाँ पर की हुई है. यहाँ से आप एंटर होंगे एंड देन पहले जो है वो यहाँ पे शॉप्स आती हैं जिसमें एक्वेरियम के मुनासबत से सी के लिहाज से इन लोगों ने डिफरेंट किस्म की चीज़ें रखी हुई हैं. की रिंग्स हो गए, फ़ोटो फ्रेम्स हो गए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, कैंडीज, जेलीज, एनीथिंग, बहुत कुछ. बट उसकी जो मेन थीम है वो सी बेस्ड है. तो यहाँ पर अगर कोई ये चीज़ें परचेज करना चाहता है तो आप कर सकते हैं. एंड देन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप टिकट कॉर्नर की तरफ जाते हैं जहाँ पर एक्वेरियम